नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया तो कुछ खिलाड़ियों ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया। तो इसी के चलते अगले मैच में यानी कि सातवें मैच में मुंबई इंडियंस इन तीन खिलाड़ियों को बाहर करने वाली है। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में कुल 6 मुकाबले खेले है, जिसमें 3 मुकाबले में जीत मिली है, वही 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला हार्दिक पांडे के गुजरात टीम के खिलाफ होने वाला है। दोस्तों, ये मुकाबला 25 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम बड़ा जोर दिखाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम कभी एक आध मुकाबला हार जाए तो अगले मुकाबले में शानदार वापसी करती है। लेकिन दोस्तों, अब अगला मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से वो तीन खिलाड़ी है जिनको मुंबई इंडियंस की टीम अगले मुकाबले में बाहर करने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है निहाल वदेरा का। दोस्तों, निहाल वदेरा ने आईपीएल में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, लेकिन इन 3 मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ 27 रन बनाए हैं। अब ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम निहाल वदेरा से आगे बढ़कर देखना चाहेगी और इनकी जगह पर डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल करेगी। दोस्तों, डेवाल्ड ब्रेविस एक आक्रामक बल्लेबाज है और इनके बल्लेबाजी में वो क्षमता है कि वो मुंबई इंडियंस की टीम को जिता सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जोफ्रा आर्चर के रूप में करते हुए नजर आएगी, जहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने जोफ्रा आर्चर को कई सारे आशाओं के साथ टीम में जोड़ा था, लेकिन वे टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अब ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम जोफ्रा आर्चर की जगह रेले मेरेडिथ को टीम में फिर से एक बार शामिल करेगी। दोस्तों, रेले मेरेडिथ ने अपनी गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं पर दोस्तों, आप तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव अर्जुन तेंदुलकर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर को अभी तक 3 मुकाबलों में गेंदबाजी करने का मौका मिला है, लेकिन वे खुद को साबित करने में असफल रहे, जहाँ पर उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने कुल 48 रन गवाए, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम अर्जुन तेंदुलकर की जगह संदीप वारियर को टीम में शामिल करती नजर आएगी। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम अगला मुकाबला जीतने के लिए टीम से 3 खिलाड़ी बाहर करेगी। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मुंबई इंडियंस के हार का कारण कौन सा प्लेयर है? और दोस्तों, आप लोग मुंबई इंडियंस के हार का जिम्मेदार किस खिलाड़ी को मानते हो? अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।